अपना हिंदू समाज उत्सव प्रिय समाज है। हर प्रसंग को आनंद में बदल देने का काम, हर प्रसंग में आनंदित होने का कार्य अपना समाज जानता है। अर्थात एक ओर अपने समाज की संपन्नता और दूसरी ओर उत्सव प्रियता। उत्सव में व्यक्ति अकेला उत्सव नहीं मनाता, उत्सव मनता ही सामूहिक है। सामूहिक का अर्थ है कि पूरे परिवार के लोग भी इकट्ठे होते हैं, समाज के लोग भी इकट्ठे होते हैं। बिना इकट्ठे हुए आनंद नहीं आता, आनंद एकत्रीकरण में है, आनंद अकेले में नहीं है। उत्सव का अर्थ है कि मिलकर के मनाना, और ये दो बातें अपने देश की प्रमुख है। क्रमांक एक, ये देश ये समाज संपन्न था, और दूसरी बात उत्सव प्रिय था। इसको उत्सव मनाने में, लोगों को इकट्ठा करने में, अच्छा मिष्ठान्न बनाने में आनंद आता था, लोगों को खिलाने में आनंद आता था। हर उत्सव के पीछे कोई न कोई प्रसंग भी है। और यार मकर संक्रांति के उत्सव की चर्चा कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि सूर्य मकर राशि में आ गया, संक्रमण हो गया, दिशा बदल गई। उत्तर भारत में भयंकर शीत चल रहा है। मैं 4 दिन पहले दिल्ली से चला, एयरपोर्ट पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, सब लोग कस के कपड़े पहने थे। जैसे मैं यहां पर आया, मुंबई आया, तो यहां का तापमान 25-30 के बीच में था, सामान्य स्थिति। पूरा उत्तर भारत भयंकर सर्दी में है, 3/4 भारत में सर्दी है। मकर राशि में आने के बाद दिन का जो समय है बढ़ जाएगा, सूर्य का तापमान अधिक धरती पर आ जाएगा, लंबी ठंडी रात कम होने लग जाएगी, दिन का समय बढ़ेगा, ठंडी में लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, बाहर निकलने का मन नहीं करता, घर के अंदर बैठे रहने की इच्छा करती है, रात भी लंबी होती है, आराम से विश्राम भी करते हैं। मकर संक्रांति संदेश देती है अब कार्य के समय बढ़ेंगे, दिन का प्रकाश बढ़ेगा, रात्रि का अंधकार कम होगा, श्रम अधिक करना होगा, निष्क्रियता जाएगी, सक्रियता आएगी। प्रकृति ये संदेश दे देती है। मकर संक्रांति का सीधा संदेश है, रात्रि का अंधेरे का कालखंड, शीत का कालखंड अभी कम होता जाएगा, मनुष्य सक्रिय हो जाएगा। यह संक्रांति है। आज से हजारों हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश के जो विद्वान लोग थे, उन्होंने बहुत बड़े यंत्रों की सहायता से नहीं, उस समय उपलब्ध जो व्यवस्थाएं थी उसके आधार पर ग्रहों की गति को नापा। बृहस्पति कितना गति से चलता है, चंद्रमा की गति क्या है, मंगल की गति क्या है, शुक्र बृहस्पति किस गति से चल रहे, धरती की गति क्या है, इनकी गतियां नाप कर पंचांग बनाया, कैलेंडर बनाया। कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा 1000 साल आगे तक बता सकते हैं, 1000 साल 2000 साल पहले कब पर आता ये भी बता सकते हैं। दुनिया को आश्चर्य होता है। और जब मकर संक्रांति का अर्थ है ग्रहों की गति को नाप लेना, हजारों हजारों वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने जो कैलेंडर पंचांग बनाया था वो आज भी चल रहा है,
प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी पूर्णिमा चतुर्दशी पूर्णिमा चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ से लेकर के पूरा वर्ष हम लोग कैलेंडर को हजारों साल से चला रहे हैं। ये जो ग्रेगेरियन कैलेंडर है ये तो अभी आया है, ये 200-250 वर्ष पहले ये व्यवस्थित किया है। लगातार अनेक बार परिवर्तन होते हैं, कोई महीना 30 का, कोई 31 का, कोई 28 का, तो कभी 29 का। समस्या है भारत के पंचांग में 12 महीने, वो सौर वर्ष से भी है, वो चंद्रमास के अनुसार भी है। ग्रेगरियन कैलेंडर में पहले केवल 10 महीने थे, 10 महीने में पूरे वर्ष को नापते थे। कभी सर्दी जनवरी में पड़ती थी और कभी सर्दी मई जून में आ जाती थी, हर वर्ष 2 महीने कम हो जाते थे। 10 महीने में पूरा वर्ष में नापते थे और इसलिए दिसंबर जो है ये 10वां महीना था। डेका से 10 बनता है, दिसंबर था। नवंबर से 9वां महीना था, 9 से नवंबर बनता है, नवम से नवंबर है, 9th महीना था। अक्टूबर 8वां महीना था, अक्टा माने 8 होता है, सेप्टा माने 7 होता है, सेप्टेम्बर 7वां महीना था। लेकिन दिसंबर अब 12वें महीने पर है, ये बीच में 2 महीना जुड़ा, जुलाई और अगस्त। ये जूलियस सीजर के नाम से और अगस्तस के नाम से ये 2 महीने बीच में जुड़े। दोनों महीने महापुरुष थे उन लोगों के, तो दोनों महीने 31-31 दिन के कर रहे थे। 2 महीने बीच में आ गए, दोनों महीने 31-31 दिन के होने के कारण से दिसंबर 12वें क्रमांक पर चला गया, नवंबर 11वें क्रमांक पर आ गया, अक्टूबर 10वें क्रमांक पर आ गया, सितंबर 9वें क्रमांक पर आ गया। इतनी बात तो छोटी सी है, अपने को ध्यान में रखना। भारत का पंचांग हजारों वर्षों से वैसे चल रहा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादौ सब वैसे ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हजारों हजार वर्ष पहले हम लोगों ने ग्रहों की गति के अनुसार ये पंचांग बनाया। मकर संक्रांति इस बात को बताती है, हम भारत के लोग अपनी काल गणना को अच्छे से सम्मान के साथ देखें। और इसलिए मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने ये दो तुलना की, ग्रेगेरियन कैलेंडर और हमारा जो भारतीय पंचांग है जो 10-15 हजार वर्षों से ठीक चल रहा है।